हेलो दोस्तों, मैं हूं गुणजीत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक पिक्स। दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने असम एनआरसी के बारे में क्या कहा है और क्या यूपी में भी एनआरसी शुरू होंगे, इसके बारे में इस वीडियो के लास्ट तक जो है आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों, और भी कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, तो इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो लिखा है ये अंग्रेजी में लिखा है, मैं आपको जो है इसको अनुवाद करके ट्रांसलेट करके हिंदी में समझाऊंगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ हिंट्स एट फेस्ट रोल आउट ऑफ एनआरसी इन उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर एक इवेंट्स में ये कहा है योगी आदित्यनाथ जी ने, जो कि मैं अभी हिंदी में आपको समझाऊंगा। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में एनआरसी के चरणबद्ध रोल आउट के संकेत दिए हैं। मतलब कि योगी आदित्यनाथ जी ने ये संकेत दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में भी जो है एनआरसी शुरू हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, जब एक इवेंट में ये कहा गया है हरियाणा के मुख्यमंत्री एम ए खट्टर द्वारा अपने राज्य में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर मतलब कि एनआरसी अभ्यास शुरू करने की बात करने के एक दिन बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि यूपी में भी इसी तरह के कवायद लागू की जाएगी और इसे पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कि योगी आदित्यनाथ जी ने यह कहा है कि मतलब कि संकेत दिए हैं कि यूपी में भी ये शुरू हो सकता है एनआरसी। ठीक है, तो अगर यूपी में से आप लोग कोई सुन रहे हैं तो आपके जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो ठीक तरह से उसको जो है ठीक कर लीजिए, नहीं तो वो बाद में परेशान हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, उसके बाद ये कानपुर और मऊ के अपने अपने सिटी स्टब दौर के दौरान योगी ने सोमवार को दो बार अपनी मंशा जाहिर की। सीएम ने दोहराया कि असम में एनआरसी अभ्यास के संदर्भ में घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा, देश में प्रत्येक अवैसी प्रवासी को निर्वासित किया जाएगा। 2022 में भारत गरीब, आतंकवादी, नक्सलवादी, अराजकता और अव्यवस्था से मुक्त होगा। एक दिन पहले सीएम ने एक दैनिक के साथ साक्षात्कार मतलब कि एक न्यूज़पेपर के साक्षात्कार में पहली बार इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा था, एनआरसी अभ्यास को चरणवार लागू किया जाएगा और जब उत्तर प्रदेश को एनआरसी की आवश्यकता होगी तो हम इस प्रक्रिया को शुरू कर देंगे। पहले चरणों में ये असम था और जिस तरह से इसे लागू किया गया है असम में, यह कर सकता है अनुसरण करने के लिए एक मॉडल बने। मतलब कि असम जो है एक पहले ही जो है एक उदाहरण के तौर पे असम था और बाद में जो है यूपी या फिर मध्य प्रदेश में भी जो है ये शुरू कर सकता है और वहाँ के जो सीएम है वो भी कह रहे हैं। ये उनके अनुभव का उपयोग करते हुए हम इसे यहाँ चरणवार तरीके से शुरू कर सकते हैं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और यह अवैध प्रवासी द्वारा गरीबों के अधिकार को छीनना बंद कर देगा। मतलब कि ये एक अच्छा एक पॉइंट है जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, जो कि हमारे जो ओरिजिनल भारतीय लोग हैं उनका जो अधिकार है वो बाहर के लोग को मिल रहा है। तो इसे अप्लाई एनआरसी अप्लाई करने के बाद शायद जो है हमारे भारतीय जो लोग हैं ओरिजिनल लोग उनको जो है उनके अधिकार मिल जाएंगे। तो ये एक अच्छा जो है शुरुआत होंगे अगर शुरू कर दिया यूपी या फिर मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर देखिए, बाद में जो है यहाँ कह रहे हैं, ये कौन कह रहा है कि सीएम विल बी फर्स्ट टू बिकम आउटसाइडर, मतलब कि सीएम सबसे पहले बाहर होंगे। तो ये कौन कहा ये बाद में आप लोगों को जानने को मिलेगा। तो यहाँ देखिए जो लिखा है, हालांकि सरकारी सूत्रों का कहना है कि इस तरह की हरकत पर सख्ती की जाएगी, लेकिन बीजेपी ने कहा है यह एक स्वागत योग्य कदम होगा। यूपी सरकार के प्रवक्ता और एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा, सीएम ने कहा है कि यदि आवश्यक हो तो इसे चरणबद्ध से लागू किया जा सकता है और असम मॉडल अच्छा है। मतलब कि असम जो कर रहा है, असम में जो कर हो रहा है एनआरसी से, तो वो एक अच्छा उदाहरण है। तो इस कथन के अलावा आगे कुछ भी चर्चा नहीं की गई है। और हालांकि जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा, एनआरसी को 100% लागू किया जाएगा। जल शक्ति मंत्री जो है उन्होंने कहा है कि एनआरसी को जो है 100% लागू किया जाएगा, अभी नहीं तो बाद में।
ठीक है। तो समय रेखा निर्धारित किए बिना उन्होंने कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनआरसी को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए और इसे यूपी में भी लिया जाएगा, मतलब कि यूपी में भी इसे जो है इसको इसका जो प्रोसेस है वो भी किया जाएगा आगे के समय में। मुझे लगता है कि गैरकानूनी अप्रवासियों को मात देना बहुत अच्छा विचार है, उन्होंने कहा। कांग्रेस विधायक दल, मतलब कि ये जो कहा था सीएम विल बी फर्स्ट टू बिकम आउटसाइडर, मतलब कि पहले सीएम बाहर होंगे इस प्रोसेस को अगर शुरू किया गया एनआरसी को, तो इसे जो है कांग्रेस विधायक दल के नेता अजय कुमार लल्लू ने ट्वीट किया। अगर ऐसा होता है तो सीएम पहले जो है बाहर होंगे एनआरसी के लिस्ट से, ठीक है। तो पहली व्यक्ति होंगी यहाँ पर जो है लिखा है, ठीक है। तो यही था वीडियो में जो आपको जानने को मिला, और इस तरह के जो है एनआरसी से रिलेटेड और भी कुछ जानना चाहते हैं आप अगर, तो नीचे कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो है अपने फ्रेंड के साथ अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।